दोस्तों मैं एक पीपल हूँ यानी फाइकस। दोस्तों मैं मोरेसी कुल का पौधा हूँ और मेरा वैज्ञानिक नाम फाइकस रिलिजियोसा है। इंग्लिश में मुझे पीपल ट्री, द बो ट्री या बोध ट्री, द ट्री ऑफ इंटेलिजेंस और सैक्रेड फ्रिक के नाम से भी जाना जाता है, जबकि संस्कृत में मुझे पिप्पल, बोधि वृक्ष, चलदल, बोधि द्रुम, गजासन के नाम से जाना जाता है। उर्दू में मुझे पीपल और पर्शियन भाषा में मुझे दरख्ते लरज्जा कहा जाता है। पीपल का पेड़ भारत के उप हिमालय वनों, पश्चिमी बंगाल एवं मध्य भारत में प्राप्त होता है। हिंदू तथा बौद्ध धर्म में धार्मिक महत्व होने के कारण पीपल का पेड़ मंदिरों के आसपास लगाया जाता है। पीपल इंडो चाइना और इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक नेटिव पौधा है, जो हिमालयन फुट हिल्स, साउथ वेस्ट चाइना से नॉर्दर्न थाईलैंड और वियतनाम तक उगाया जाता है, लेकिन अब इसके साथ साथ यह दूसरी जगहों पर भी फैल गया है। पीपल नॉट ओनली प्रोड्यूस फोडर बट आल्सो बैलेंस क्लाइमेटिक कंडीशंस, कंट्रोल सोइल इरोजन, इम्प्रूव सोइल स्ट्रक्चर एंड इट्स फर्टिलिटी। इट इज आल्सो डस्ट एंड साउंड एब्जॉर्बेंट। पीपल को देववृक्ष क्यों कहते हैं? भारतीय संस्कृति में पीपल देववृक्ष है। इसके सात्विक प्रभाव के स्पर्श से अंतः चेतना पुलकित और प्रफुल्लित होती है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं का वास होता है। पीपल भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्णतः मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान कृष्ण कहते हैं, समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। स्वयं भगवान ने उससे अपनी उपमा देकर पीपल के देवत्व और दिव्यत्व को व्यक्त किया है। शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल की सविधि पूजा अर्चना करने से संपूर्ण देवता स्वयं ही पूजित हो जाते हैं। पीपल का वृक्ष लगाने वाले की वंश परंपरा कभी विनष्ट नहीं होती। पीपल की सेवा करने वाले सदगति प्राप्त करते हैं। पीपल वृक्ष की प्रार्थना के लिए अश्वत्थ स्रोत में पीपल की प्रार्थना का मंत्र भी दिया गया है। प्रसिद्ध ग्रंथ वृतराज में भी पीपल वृक्ष की महिमा का उल्लेख है। महर्षि शौनक द्वारा इसके महत्व का वर्णन बताया गया है। अर्थवेद के उपवेद आयुर्वेद में पीपल के औषधीय गुणों का और असाध्य रोगों में कैसे पीपल लाभकारी है, इसका वर्णन भी दिया गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे मंत्र, जप और ध्यान सभी प्रकार के संस्कारों को शुभ माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित है कि द्वापर युग में परमधाम जाने से पूर्व योगेश्वर श्री कृष्ण इस दिव्य पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हुए। यज्ञ में प्रयुक्त किए जाने वाले पात्र पीपल कास्ट से ही बनाए जाते हैं। पवित्रता की दृष्टि से यज्ञ में उपयुक्त की जाने वाली संविधाएँ भी आम या पीपल की ही होती हैं। यज्ञ में अग्नि स्थापना के लिए ऋषिगण पीपल के काष्ठ और सम्मी की लकड़ी के रगड़ से अग्नि प्रज्वलित किया करते थे। ग्रामीण संस्कृति में आज भी लोग पीपल की नई कोपलों में निहित जीवनदायिनी गुणों का सेवन कर उम्र के अंतिम पड़ाव में भी सेहतमंद रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम मूल तो ब्रह्म रूपाय, माध तो विष्णु रूपेणे, अग्रतः शिव रूपाय, अश्वत्थाय नमो नमः। यानी मैं वृक्षों में पीपल हूँ। पीपल के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप से विराजमान हैं।